पक्का कहूंगा उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है, लेकिन देख ले तेरे बच्चे ने तेरे बेटे ने अपनी जिंदगी को जो गुजारा है सहाना तरीके से गुजारा है, इसका लिबास भी बात इसका लिबास भी निराना था, इसका अंदाज भी निराना है, इसके चलने का अंदाज भी निराना है, लेकिन इसका खाने का अंदाज भी निराना है। अच्छा खाना इसको मिला करता था, कमी को रोक दिया जाए, अच्छी पोशाक उतार लिया जाए, अच्छा बिस्तर उतार लिया जाए, इसको तरह तरह एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, खुद ब खुद छुप जाएगा, खुद ब खुद टूट जाएगा। अल्लाह को बच्चों बाप अपने बेटे से इतना प्यार करता हो, आप बाप है अपने बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है, अल्लाह को बेटे को तरह तरह एक कमरे के अंदर कर दिया जाता है, तीन खाने के लिए सूखे हुए टुकड़े दिए जाते हैं, सूखे हुए टुकड़ों को खाता रहा, जिंदगी गुजारता रहा, तीन रोग हो गए, जब तीसरा रोग आता है क्या दरवाजे पर दरवाजे को खोला, बाप भी बोझ गया, माँ भी बोझ गई, माँ ने देखा बेटे की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर माँ ने देखा तो माँ की ममता बिगड़ जाती है, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बाप रोना शुरू कर देता है, माँ रो रही है, बेटा रो रहा है, नारे नबीर अल्लाह हु अकबर, नारे रिसालत जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद शमशाह साहब तिमला जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत। और मेरे लिए लाल बत्ती का इशारा, मेरे लिए लाल बत्ती का इशारा, जल्दी खत्म कर दो, और जल्दी नहीं की तो खतरा ही करने शहर घड़ी की सोई खतरे तक पहुंच जाएगी, तो इससे मैं वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा, पहले ही अपने बाप की कमरे के अंदर, माँ की कमरे के अंदर बेटे ने देखा माँ को, तो माँ ने देखा बेटे को, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, जब देखा बेटे को रोता हुआ, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है प्यारे, आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद में बेटे को सीने से लगाया और चीख निकल जाती है, बाप ने भी सीने से लगा लिया, रोते रहे, उसके बाप ने कहा था ये बेटे हम मानते हैं तेरे रोने की वजह क्या है, आप तुझे अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है इसलिए रो रहा है, इतना सुनने के बाद में नौजवान का जवाब सुन लो, नौ मुस्लिम सहाबी का जवाब सुन लो, और दिलों की तकिए पर उतार कर ले जाना सिलसिला वालों, क्या जवाब दिया था कल के उस मुसलमान ने, क्या जवाब दिया था कल के नौ मुस्लिम सहाबी ने, जवाब देता है बात सुन ले, अलग हट जा तेरे आंसुओं को देखकर पलट नहीं सकता हूँ, तेरे आंसुओं को देखकर पिघल नहीं सकता हूँ, रोने की वजह ये नहीं है कि मुझे सूखे टुकड़े मिल रहे हैं, रोने की वजह ये नहीं है मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो वो मतलब क्या बात है फिर इसलिए रो रहा है, तो बेटे ने कहा था आज मुझे अपने नबी की याद आ गई है, मुझे अपने नबी की याद आ गई है, नबी की इम्तिहान लेती है, मेरी मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मैं समझ गया मेरा ईमान और मजबूत हो गया, जो मेरे नबी ने कहा था वो सच हो रहा है, वो सच होता रहा होता चला जा रहा है, चले जाओ जान दे दूंगा ईमान नहीं दूंगा, अल्लाह मुख्तसर बहुत तेजी के साथ सुन लीजिए, अल्लाह इसने कहा कि मानने वाला नहीं है, नौकर को बुलाने के बाद में कहा कि देखो ये मेरा बेटा है, आज तुम्हारे हवाले करता हूं, आज तुम्हारे हवाले ले जाओ रेगिस्तानी इलाके में बरहीना करके हाथों में हथकड़ियां डालकर इसको रेतीले जंगल में जमीन पर घसीटना शुरू कर दो, इतना मारो कि ये अपने ईमान को
खा खाए बैठे थे। कहा कि ठीक है, इनके दिलों में भी उमंग थी। जब तक तू बाप का था हमें सताता रहा, जब तक तू माँ का था हमें मारता रहा। चुन चुन कर बदले लिए जाएंगे, आज चुन चुन कर बदले लिए जाएंगे। प्यारे ले गए उस नौजवान को तालीमों के हवाले, दरिंदों के हवाले, नो मुस्लिम सहाबी को कर दिया, मुस्तफा के गुलाम को कर दिया। ले गए रेतीले जंगल पर और जाने के बाद में उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए जाते हैं और जमीन पर गर्म पेट पर घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया कि घसीटते चले जा रहे थे, ये कलमा पढ़ता जा रहा था, ये तकलीफें देते जा रहे थे, ये मुस्तफा का दौर पढ़ता जा रहा था। अल्लाह कुवत पर क्या देखते हैं, यहाँ तक तीन रूप हो गए, तीसरा वो जब आता है। अल्लाह कुवत पर रात की तारीख की छाती है, आसमान का बादल उमड़ कर आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से रहमत की धर्म बरस रही थी। नौजवान तरे तरह हाथों में हथकर गया है, पाँव में पेड़ गया है, कोई पास नहीं है। अल्लाह कुवत पर हाथों को देखता है, नौजवान ने देखा हाथों से खून निकल रहा है, पैरों को देखता है, पैरों से खून निकल रहा है, चिकन को देखता है, चिकन से खून निकल रहा है, खून में लथपथ है। देखने के बाद में आंसुओं से आंसू निकलना शुरू हो गए। रब की बारगाह में अर्ज करता है, एक बार भेज दिया दोनों जहान के पालनहार मालिक के अर्जो सलाफा, ए रब के कदीर, अब बर्दाश्त नहीं होगा, कई रोग हो चुके हैं, तेरे नबी का, तेरे रसूल का, तेरे पैगंबर का दीदार नहीं किया है। या अल्लाह, एक मर्तबा मेरी जिंदगी में मरने से पहले पहले अपने नबी का दीदार करा दे, अगर दीदार हो गया तो इंतकाल कर जाऊं, मेरी किस्मत की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह, नबी का प्यार याद है, नबी की मोहब्बत याद है। अल्लाह कुवत पर खुदा की कसम, जब रब की बारगाह में दुआ मांगी, दुआ काबे इजाबत से टकराती है, रब की बारगाह में दुआ मकबूल होती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं उज्जत परवास मगर रखती है। दुआ मांगी, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, खुदा की कसम आसमान में बादल के अंदर बिजली का कड़क लगी थी, खुदा की कसम तारीख बताती है कि यारे दुआ मांगी, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की जंजीरें टूट गई, नौजवान आजाद हो गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही आजाद हुआ चलना शुरू हो जाता है, चलना शुरू कर दिया, अब अपने नबी की मोहब्बत में चलता रहा, पूरी रात चलता रहा, पूरी रात चलता रहा। जब पहुंचने के करीब होता है, खुदा की रहमत को जोश आया, अल्लाह का राग बताने बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील ने अमीर को जमीन पर उतार दिया और कहा था, ए जिब्रील जा जा, चला जा मेरे महबूब से मेरा सलाम कहना और जाकर मेरे प्यारे से बोल देना, आज आपकी बारगाह में आप मेरा बंदा, आपका गुलाम जो आ रहा है, आपके तमाम बंदों से इस वक्त में वो अफसर हो गया है, वो तमाम का तमाम में वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका है। बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीर वहमे रब्बुल आलमीन मुस्तफा की बारगाह में आ गए, पूरा माजरा क्या सुनाया, क्या देखते हैं वही नौजवान रोता हुआ नबी के दरवाजे पर आ गया, मुस्तफा के दरवाजे पर आ गया, मुस्तफा की बारगाह में आ गया और आने के बाद में कहा, आने के बाद में नबी को सलाम कहा, मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया, क्या देखते हैं मुस्तफा। मुस्तफा ने देखा वो कल का नौजवान जो चाची लिबास पहनकर चल रहा था, आज उसके जिस्म से खून निकल रहा है, आ गया। मेरे नबी ने देखा, मुस्तफा की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, खुदा की कसम मुस्तफा ने गुलाम को करीब बुलाया, सीने से लगा लिया, पैगंबर ने फरमाया, सहाबा देख लो इस वक्त में ये बंदा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा मकबूल हो चुका है। ये मकसद है प्यारे जज्बों का, इस्लाम को, इस्लाम का मतलब ये नहीं है खाली आप नारे लगाते रहो, बल्कि नारे भी लगाओ और नारे का सही मानों में मकसद भी समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह जब तुम इस चीज को समझ लोगे तो परेशानी नहीं आएगी, इंशाल्लाह घर में बहारे ही बहारे होगी, घर में बरकतें ही बरकतें होगी। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना
عقیدہ سید اللہ کے اسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام۔ تو اسلام پر چلنے والے کون ہیں اور مسلمان کون ہیں؟ جو نماز پڑھ رہے اللہ اللہ رسول کو۔ اب بھی نا اتنی دیر بولے اس کے باوجود بھی معاملہ گڑبڑ کر دیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بولو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ آج سے ہاتھ کرو انشاءاللہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، کمیونٹی کی بنیاد پر، سبقت انسانی کی بنیاد پر بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہو، ربی قدیر اس کو معاف فرمائے، صحیح صحیح کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بابا سے بلند کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔